हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सभी केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट आनी थी, लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट नहीं आई, तो बहुत सारे माता पिता परेशान हैं कि क्या सेकंड लिस्ट आएगी। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि सेकंड लिस्ट सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आती। पिछले साल भी ऐसा हुआ था। कुछ केंद्रीय विद्यालय लिस्ट निकालते हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय लिस्ट नहीं निकालते, फ़ोन के माध्यम से बुलाते हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय में सीट रहती भी नहीं या एकाध सीट रहती है, तो सभी केंद्रीय विद्यालय में अलग अलग सिचुएशन रहती हैं। तो इस लिस्ट के संबंध में कुछ जानकारी मैं लेकर आया हूं, जिससे आपको थोड़ा सा पता लगेगा कि कैसे क्या होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सभी केवी में सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई, सभी वेटिंग वालों को सूचना देना और लिस्ट और फ़ोन नहीं आया। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके पहले मैं आप लोग को नोटिस दिखा देता हूं कि कुछ केंद्रीय विद्यालय में नोटिस आई है और बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है। तो चलिए पहले वो नोटिस देख लेते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यह केंद्रीय विद्यालय उमरिया की नोटिस है और यह 29 तारीख को जारी हुई है। इसमें कुछ बच्चों को मौका मिला है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि RTE में केवल एक बच्चे को मिला है, सर्विस कैटेगरी 2 में 3 बच्चों को मिला है, और इसी तरीके से SC कैटेगरी में एक, OBC NCL में एक, सर्विस कैटेगरी 3 में फिर बहुत सारे बच्चों को मौका मिला है। टोटल 17 बच्चों को मौका मिला है। तो ऐसे लिस्ट आती है जहां थोड़ा सीट ज़्यादा रहती है। एक लिस्ट मैं आपको और दिखा देता हूं, या केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 भोपाल की लिस्ट है। यहाँ अलग अलग इन्होंने निकाला है। जैसे आप देख सकते हैं, यह RTE कैटेगरी की लिस्ट है। यहाँ पे मेंशन है या RTE कैटेगरी की लिस्ट है, और यहाँ इन्होंने लास्ट डेट 8/5/2024 दिया है कि इसके पहले आपको आके एडमिशन लेना है। तो यहाँ RTE में टोटल 8 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 8 बच्चों को बुलाया गया है। इसी तरीके से इन्होंने और लिस्ट निकाली है। जैसे आप देख सकते हैं, डिफरेंटली एबल में एक बच्चे को बुलाया गया है, तथा सर्विस कैटेगरी 1 में बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 की यह लिस्ट है, और इसमें टोटल 42 बच्चों को बुलाया गया है। एक बड़ी संख्या है, सेकंड लिस्ट में 42 बच्चे बुलाए जाना एक बड़ी संख्या है। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बुलाए जाते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बुलाए जा रहे हैं, वहाँ थर्ड लिस्ट भी आने की पूरी संभावना है। एक केंद्रीय विद्यालय और देख लेते हैं, यह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 शिफ्ट 2 का सेकंड लिस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड लिस्ट, और इसमें भी बहुत सारे बच्चों को बुलाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, यह RTE की लिस्ट है, और RTE में टोटल 22 बच्चों को बुलाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 22 बच्चे, केवल RTE में 22 बच्चे बहुत बड़ी संख्या होती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन यही है जो मैं बार बार बता रहा था, यह शिफ्ट 2 की नोटिस है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बच्चे बुलाए जा रहे हैं, और यहाँ तीसरी, चौथी और संभव है कि 5वीं लिस्ट भी आएगी, क्योंकि यहाँ 2 शिफ्ट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ OBC की भी लिस्ट दी गई है, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है। OBC में भी अच्छे खासे 21 बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये 21 बच्चे टोटल नहीं है, बीच में गैप है, आप देख सकते हैं कहीं कहीं बीच में गैप है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी संख्या में बच्चे बुलाए गए हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत। आप आगे भी देख पाएंगे कि इन्होंने SC की भी लिस्ट जारी की है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि SC में भी 6 बच्चे बुलाए गए हैं, और उसके बाद इन्होंने ST की भी लिस्ट जारी की है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि SC की लिस्ट भी इन्होंने जारी की है, और यहाँ भी अच्छा खासा बच्चों को बुलाया गया है। 7 तक यहाँ वेटिंग जा रही है, आप देख पा रहे हैं 7 नंबर तक वेटिंग जा रही है, और यहाँ एक लोग को DA यानी दिव्यांग में भी बुलाया गया है। यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे कि इन्होंने सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के अनुसार नहीं बुलाया है, इन्होंने RTE बुलाया है, फिर रिजर्व कैटेगरी को बुलाया है, ताकि रिजर्व कैटेगरी की सीट पहले फुल हो जाए, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकें। KV सेकंड लिस्ट, बहुत से KV ने सेकंड लिस्ट जारी किए हैं। जिन KV ने सेकंड लिस्ट जारी किए हैं, उनके यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट 5 मई है। सभी KV अपने यहाँ एडमिशन की अलग अलग तारीख दिए हैं। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय का पता करिए कि आपके केंद्रीय विद्यालय में लिस्ट आई है कि नहीं। अगर लिस्ट आई है, तो वो लास्ट डेट क्या निश्चित किए हैं, उसी के अनुसार आप अपने बच्चे का एडमिशन जाकर लें। सेकंड लिस्ट की लास्ट डेट तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है, सभी केंद्रीय विद्यालय अपने अपने अनुसार लास्ट डेट निश्चित किए हैं, लेकिन ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय ने 5 मई को लास्ट डेट घोषित किया है, क्योंकि 8 मई को थर्ड लिस्ट आनी है। तो कुछ KV लिस्ट जारी किए हैं, और कुछ एडमिशन शेड्यूल भी जारी किए हैं, और 5 मई लास्ट डेट घोषित किए हैं। अगर आपके बच्चे का इन KV में नाम आया है, तो आप आज ही एडमिशन ले लें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम भी है, तो भी आप आज ही रिपोर्ट करके KV वालों से समय ले लें। तो सबसे पहले तो चेक करें कि आपके बच्चे का लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। उसके बाद अगर आया है, तो आप जल्दी से जल्दी KV वालों से अप्रोच करें, और अगर कोई कमी है
कोई डॉक्यूमेंट कम है, आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप केवी वालों से समय मांगिए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। सभी केवी में सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई, ये बार बार पूछा जा रहा है कि सभी केवी में सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई। कुछ केवी लिस्ट जारी नहीं किए हैं, कुछ केवी में फ़ोन के माध्यम से सूचना दी जा रही है, कुछ केवी अपने यहाँ जाने पर बता रहे हैं, कुछ केवी में सीट बहुत कम खाली है और वह भी फ़ोन से ही सूचना दे रहे हैं। तो ये सब रीज़न है लिस्ट नहीं आने का। सभी वेटिंग वालों को सूचना देना। अब बहुत सारे लोगों के मन में संशय हो जा रहा है कि क्या हमें सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप एकदम निश्चिंत रहें, अगर आपका नंबर आएगा तो आपको सूचना जरूर मिलेगी। केवी वालों के लिए अनिवार्य है कि जिस बच्चे का नंबर आया है उसे सूचना देना है। अगर वह आपका नंबर आने पर आपको किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दिए हैं तो वह अगली वेटिंग वाले को नहीं बुला सकते हैं। फ़ोन इसलिए करते हैं ताकि एडमिशन प्रक्रिया तेज हो सके। मेरे सामने दो माता पिता से बात की गई जिसमें एक ने कहा कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा लिया है, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। अब इसी प्रक्रिया को लिस्ट द्वारा पूरा करने में 2 दिन का समय लगता। तो ऐसा होता है कि फ़ोन के माध्यम से प्रक्रिया तेज हो जाती है और फ़ोन के माध्यम से 2 लिस्ट 3 लिस्ट एक साथ आ सकती है। जैसे एक ने इनकार किया तो अगले को फ़ोन कर दिया, अगले ने भी इनकार किया तो उसके अगले को फ़ोन कर दिया और एक ही लिस्ट में सीट भर जाती है। आप अपने स्तर पर भी केवी से पता करते रहें, लेकिन ये सब होने के साथ साथ आप अपने स्तर पर भी केवी से पता करते रहें, खास करके ऐसे माता पिता जिनके बच्चों का सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में या आरटी में बहुत कम वेटिंग नंबर है, धांधली हो रही है। ये भी कमेंट आ रहा है कि क्या केंद्रीय विद्यालय में धांधली होती है। एक दर्शक का कमेंट आया था कि उसके बाद की वेटिंग वाले को बुला लिया गया, उसे नहीं बुलाया गया। केवी में धांधली नहीं होती है, जहां तक मुझे जानकारी है केवी में कोई धांधली नहीं होती है, सीरियल वाइज ही सभी को बुलाया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके केवी में धांधली हुई है तो आप रीजनल ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं, जो आरओ होता है वहां आप शिकायत कर सकते हैं। आरओ की जानकारी आपको ऑनलाइन वाली वेबसाइट से मिल जाएगी, उसके हेल्प डेस्क में जाएंगे तो वहां से आपको सभी आरओ की जानकारी मिल जाएगी। जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वह कई कोटा कैटेगरी में होगा, जिस कोटा कैटेगरी में आप देख रहे हैं उसमें उसकी वेटिंग ज़्यादा होगी लेकिन दूसरे में कम हो सकती है, इसलिए एडमिशन हुआ होगा। तो रीज़न यहाँ हो सकता है, दूसरा भी रीज़न हो सकता है, लेकिन मुझे जो रीज़न लगा वह मैंने मेंशन कर दिया। प्री पोस्ट लॉटरी लिस्ट। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे का लॉटरी में नाम आया है लेकिन मुझे बुला नहीं रहे हैं, एडमिशन नहीं दे रहे हैं। कुछ माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि उनके बच्चे का प्री सफल या एलिजिबल लिस्ट में नाम है तो क्या करें, मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। अब हम यहाँ एक बार फिर से मेंशन कर दे रहे हैं प्री सफल क्या है और पोस्ट सफल क्या है। प्री सफल एलिजिबल लिस्ट है, यह लिस्ट केवल लॉटरी के लिए एलिजिबल योग पाए गए बच्चों की लिस्ट होती है। इस लिस्ट में कोई लॉटरी नंबर या वेटिंग नंबर नहीं दिया गया है और इस लिस्ट में एडमिशन भी नहीं होता है। पोस्ट सफल लॉटरी लिस्ट। पोस्ट सफल यानी लॉटरी लिस्ट, इस लिस्ट में यदि नाम है और कोई वेटिंग नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, और यदि वेटिंग है और कम वेटिंग है तो सेकंड या थर्ड लिस्ट में चांस मिल सकता है। इसे मैंने दोबारा रिपीट किया है क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि लिस्ट में नाम है, मुझे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, मुझे नहीं बुला रहे हैं, तो उनके बच्चों का नाम प्री सफल या एलिजिबल लिस्ट में होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लिस्ट और फ़ोन नहीं आया। अब कुछ माता पिता बोल रहे हैं कि ना लिस्ट आई है ना फ़ोन ही आया है, तो ऐसा इसलिए है कि वहाँ सीट बहुत कम खाली होगी, इसलिए लिस्ट तो नहीं निकाले और फ़ोन भी नहीं किए। अगर आपका वेटिंग कम है और आपके केवी में लिस्ट नहीं आया है और फ़ोन भी नहीं आया है तो आप आज ही अपने केवी जाएं और पता करें। तो ऐसे माता पिता जिनका वेटिंग कम है वह जाकर पता करें, बाकी लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सीट बहुत ज़्यादा खाली रहती है तो लिस्ट ज़रूर आती है, लेकिन कम सीट खाली रहने से लिस्ट नहीं आती, फ़ोन आएगा, लेकिन जब आपका नंबर आएगा तब फ़ोन आएगा। फिर भी आप अपने स्तर से पता करते रहें, अपना ईमेल आईडी भी चेक करें, हो सकता है उस पर कोई जानकारी आई हो। सर्विस कैटेगरी आरटी और कास्ट कैटेगरी में वेटिंग वालों को ज़्यादा चांस मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सर्विस कैटेगरी, उसके बाद आरटी, उसके बाद कास्ट कैटेगरी में चांस मिलता है। तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी वेटिंग किस में है। जैसे कास्ट कैटेगरी में अगर वेटिंग है तो उसमें उतना चांस नहीं मिलता, आरटी में है तब भी उसमें कम मिलता है, लेकिन अगर सर्विस कैटेगरी में है तो उसमें सबसे ज़्यादा चांस मिलता है। तो आपकी वेटिंग किस में है यह भी निर्भर करता है कि आपको कितना चांस मिलेगा। इस बार कम मौके। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम मौके मिल रहे हैं और जिनका नाम आया है वह केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन जरूर लेते हैं, इसलिए मौका कम मिल रहे हैं। और इस बार जो कम मिल रहे हैं वह सीट कम होने की वजह से मिल रहे हैं। जिनके केवी में 2 शिफ्ट है यानी शिफ्ट 1 और 2, वहाँ वेटिंग को ज़्यादा चांस मिल रहा है। इस बार केवी का एडमिशन लेट हुआ है इसलिए भी वेटिंग को चांस मिल रहा है। थर्ड लिस्ट भी आएगी। अब यह भी क्वेश्चन है कि क्या थर्ड लिस्ट आएगी, जहां वेटिंग ज़्यादा जा रही है वहां थर्ड लिस्ट आएगी। थर्ड लिस्ट 8 मई को आएगी। थर्ड लिस्ट में भी डबल शिफ्ट और एक ही शहर में ज़्यादा केवी वाले केवी में ज़्यादा चांस मिलेगा।
यानी ऐसे केंद्रीय विद्यालय जिसमें डबल शिफ्ट है उसमें भी ज़्यादा चांस मिलेगा, और ऐसे केंद्रीय विद्यालय जो एक ही शहर में कई केंद्रीय विद्यालय स्थित हैं, जैसे एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि उनके यहाँ 6 केंद्रीय विद्यालय हैं, तो ऐसे शहर में ज़्यादातर बच्चे आसपास के ही बच्चे रहते हैं और सभी केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरे रहते हैं और एडमिशन किसी एक ही केंद्रीय विद्यालय में लेंगे, तो इसलिए वहाँ वेटिंग वाले को ज़्यादा चांस मिलता है। अगर आपके केवी में सेकंड लिस्ट में ज़्यादा बच्चे का नाम आया है तो आप थर्ड लिस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। सेकंड लिस्ट के संबंध में ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और थर्ड लिस्ट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी थी। ज़्यादातर इसमें आपके कमेंट शामिल किए गए थे, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को ही इसमें शामिल किया गया है, तो जो जानकारी आप चाहते थे उन्हीं को इसमें अच्छे से पिरो कर बताया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।